रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर लेक्चर नंबर 18 फॉर 10th क्लास। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल रीड द ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन फर्स्ट एट। स्टूडेंट्स, एज वी हैव रेड इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स, हाउ टू डील विद द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम माइनर इंजरीज, फॉर एग्ज़ाम्पल कट्स और अनकॉन्शियसनेस एट्सेट्रा। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस विच थिंग्स आर नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ सच टाइप ऑफ पेशेंट्स हु आर हैविंग माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स। स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट, एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल, हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स। हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में आसानी से दस्तयाब हो जाने वाला फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है उसके लिए ये बॉक्स ज़रूरी है, विद द फॉलोइंग रेकमेंडेड बेसिक कॉन्टेंट्स, जिसमें दर्ज ज़ैल जो बुनियादी चीज़ें हैं उनका होना ज़रूरी है। फ़र्स्ट एड बुक, सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है फ़र्स्ट एड बुक। क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, ये जो बुक है ये हमें वाज़े तौर पर बताती है कि जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। देन वी हैव बैंडेड्स, प्लास्टर्स मीन्स ये जो मरहम पट्टी वगैरह है इसके बारे में। बैंडेड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स, बैंडेड्स और जो चिपकने वाली पट्टियाँ होती हैं आर गुड फॉर ड्रेसिंग, ये पट्टी करने के लिए बेहतरीन है। स्मॉल वाउंड्स स्किन के लिए, यानी छोटे ज़ख्मों को ड्रेसिंग करने के लिए, पट्टी करने के लिए ये बेहतरीन है। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइज़ेस, ये जो पट्टियाँ हैं ये हर तरह के अशकाल और साइज़ में मौजूद होती हैं, फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स, मींस ये उंगलियों, टांगों और किसी भी और जगह पर यू माइट गेट लिटिल कट्स, यहाँ पर आपको मामूली से ज़ख़म आ जाएं, ये उनके लिए हर साइज़ और हर शक्ल में दस्तयाब होती हैं। मेक श्योर द बैंडेड इज़ बिग इनफ, इस बात को यकीनी बना लें कि ये जो मरहम पट्टी है ये इतना बड़ा है टू कवर द वाउंड, के ये ज़ख़म को कवर कर ले, ढांप ले। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो आपको इसके लिए जो दूसरी पट्टी है मींस जो हाथ से की जाती है वो यूज़ कर लेनी चाहिए। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकीली जो पट्टियाँ हैं, लचकदार, द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स, ये जो इलास्टिक वाली पट्टियाँ होती हैं ये जो हिले हुए जोड़ हों उनको लपेटने के लिए बेहतरीन है। और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, या टूटी हुई बाजू की सूरत में इससे ये जो एक किस्म का झूला सा बनाते हैं जो गले में लटकता रहता है, वो उसके लिए जो इलास्टिक बैंडेजेस है ये बेहतरीन रहता है। यानी बाजू को गले वाली साइड से सपोर्ट देने के लिए इलास्टिक बैंडेज जो है वो बेहतरीन है। गॉज एंड एडेसिव टेप, जालीदार जो पट्टी है या और जो लेसदार टेप हो, लेसदार मादे वाली जो टेप है ये भी ज़रूरी है उस फर्स्ट एड बॉक्स में होना। गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स, ये जो गॉज पैड्स और रोल होते हैं ये कपड़े के पैड हैं, दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड, जो कि ज़ख़म पर बराह रास्त रखे जाते हैं, टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, के खून को रोकने और ज़ख़म की हिफाजत के लिए, फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, यानी ज़्यादा बड़े कट्स और स्क्रैप्स की सूरत में खून को रोकने और इसकी हिफाजत के लिए ये ज़रूरी होते हैं। यू विल नीड एडेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस, मीन्स आपको जो जालीदार पट्टी है उसको उसकी जगह पर टिकाए रखने के लिए एडेसिव टेप, लेसदार जो टेप है उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी।
इन एन एमरजेंसी की सूरत में अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल, छोटा तौलिया, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड, और जो साफ़ सुथरी टी शर्ट हो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, किस लिए, ज़ख़म को ढांपने के लिए एमरजेंसी की सूरत में ये चीज़ें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड कॉटन वूल मींस जो जरासीम से पाक वाइप्स हों, छोटे छोटे जो अल्कोहल में धोए हुए कपड़े हों वो भी ज़रूरी हैं, और कॉटन वूल जो है उसका भी होना ज़रूरी है। देन वी हैव स्टूडेंट्स आफ्टर दिस देन वी हैव सेफ्टी पिंस एंड ट्वीज़र्स, यानी इस फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे पास सेफ्टी पिंस का होना ज़रूरी है और चिमटी का भी होना ज़रूरी है। सीज़र्स यानी कैंची, अ पेयर ऑफ सीज़र्स इज़ नीडिड टू कट द टेप एंड गॉज, यानी कैंची जो है वो होना ज़रूरी है, किस लिए, टेप और जालीदार पट्टी को काटने के लिए हमारे पास कैंची का होना भी ज़रूरी है। देन वी हैव लेटेक्स ग्लव्स मीन्स लचकदार दस्ताने, लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज़ अ गुड आइडिया स्पेशली, यानी इनका लेटेक्स ग्लव्स का होना जो है वो हमेशा बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर पे तब इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर मीन्स अगर आप किसी अजनबी को डील कर रहे हैं और उसके जिस्म से फ्लूड बह रहा है मीन्स वो ब्लड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, मीन्स अगर उसके जिस्म से किसी किस्म का माया जो है वो बह रहा है और आप ऐसे पेशेंट को डील कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ग्लव्स पहने हुए हों। कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूथिंग सन बर्न्स एंड स्टिंग्स मीन्स कैलामाइन लोशन जो है वो किस लिए यूज़ होता है कि सन बर्न्स जो हैं उनको तस्कीन देने के लिए, जले हुए को तस्कीन देने के लिए, या अगर किसी चीज़ ने काट लिया है तो उस सूरत हाल में ये आराम पहुंचाता है, लिहाजा इसका होना भी ज़रूरी है। क्लिनिकल थर्मामीटर यानी थर्मामीटर का होना भी ज़रूरी है। देन इन द एंड वी हैव एनाल्जेसिक टैबलेट्स सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, यानी हमारा जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें एस्प्रिन और पैरासीटामोल का होना भी ज़रूरी है, किस लिए, ताकि ये ज़्यादा दर्द की सूरत में इनको इस्तेमाल किया जा सके और वो मरीज़ के दर्द को कम कर दें। सो स्टूडेंट्स दिस वॉज़ आवर लेक्चर फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।